हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज रेसिपी। आज मैं अपने स्टाइल से आप लोगों को लिट्टी बनाकर दिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया का पत्ता और दो मिर्च लेकर इसे पहले मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने 200 ग्राम के करीब सत्तू ली है और उसमें मैंने अजवाइन, काला जीरा और थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड की हूँ। मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता को ग्राइंडर में ग्राइंड की हूँ। अब इसे इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें मैं नमक डालूँगी, मम्मी वाला प्यार नमक स्वाद अनुसार, और घर का आम का अचार का मसाला उसे भी मैं एक चम्मच इसमें ऐड करूँगी और एक नींबू को काट कर मैं इसमें ऐड कर दूंगी और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मैंने अब आटा लिया है। आटे में मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी और इसे एक सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी करूंगी। अब मेरा लिट्टी का आटा तैयार है। 2-4 मिनट के बाद मैं इसको यूज़ करूंगी। मेरा आटा अब तैयार है। मैं इसके छोटे छोटे लोई बना ली हूँ और इसमें अब मैं सत्तू का जो मसाला है वो इसमें भरूंगी। इसी तरह से मैं सारे आटे में सत्तू का मसाला जो है उसे मैं भर भर कर रेडी करूंगी एक साथ। मेरे सारे लिट्टी अब तैयार है, बस इसे मैं फ्राई करूंगी। तो मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप चाहे तो रिफाइंड तेल या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर तक हम इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। मेरे लिट्टी एक साइड से पक चुके हैं, मैं इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन फ्राई कर लूँगी। मेरे लिट्टी अब पक चुके हैं, मैं इसे अब निकाल रही हूँ। बाकी लिट्टियों को भी मैं इसी तरह से धीमी आंच पर पका लूँगी। मैंने इसके साथ टमाटर और धनिया पत्ते की चटनी सर्व की है। आप इसके साथ जूखा भी सर्व कर सकते हैं। आपको ये मेरा रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।